नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 6 जनवरी को हंगामे के बाद से दिल्ली में मेयर चुनाव अब 30 जनवरी को ही हो सकते हैं। एमसीडी में इस पर अपनी रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 6 जनवरी को एमसीडी हाउस के अंदर क्या कुछ हुआ था। इससे पहले 6 जनवरी को मेयर चुनाव की तारीख तय हो गई थी, लेकिन इस दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ था। आप और बीजेपी पार्षदों की आपस में हाथापाई भी हुई थी, जिसके बाद से मेयर चुनाव टाल दिए गए हैं। मेयर पद के लिए 11 बजे वोटिंग होनी थी, लेकिन इससे पहले सदन में आप पार्षदों ने जमकर हंगामा किया था। इस दौरान आप पार्षदों के साथ बीजेपी पार्षदों की हाथापाई भी हुई थी। दोनों पार्टियों के पार्षदों में जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। सदन में कुर्सियां भी चली है। वही हंगामे के दौरान कुछ पार्षद टेबल पर चढ़ गए और आप पार्षद मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने का विरोध कर रहे थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एलजी द्वारा मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने पर आपत्ति जताई थी। उधर कांग्रेस ने भी इस चुनाव में वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला लिया था। वही बता दें, अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है अब वो पंजाब पहुंच चुकी है, जिसके बाद से लोगों में अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी पर हमला भी किया है। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा अब पंजाब पहुंची। इस दौरान हरियाणा से सटे पंजाब के सरहिंद की दाना मंडी में बता दें कि फ्लैग एक्सचेंज सेरेमनी के बाद यह यात्रा पंजाब प्रवेश की। इससे पहले आज सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी फतेहगढ़ साहिब स्थित गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब में प्रवेश पर कांग्रेस की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा, एक नया सवेरा, एक नया प्रदेश। सैकड़ों मीलों के सफर के बाद आज भारत जोड़ो यात्रा 5 पवित्र नदियों से संचित किसानों और जवानों की भूमि पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से शुरू होकर लुधियाना तक जाएगी। आइए साथ मिलकर अपना भारत जोड़े। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा से पंजाब में प्रवेश के दौरान हुए फ्लैग एक्सचेंज सेरेमनी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और साथ ही बता दें कि इसके साथ साथ पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सहित अन्य वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग पौड़ी और साथ ही टिहरी झील का एरिया भी उत्तरकाशी में भी दरारें आने की घटना सामने आई है। जोशीमठ में भूधसाव की वजह से अब तक 723 घरों में दरारें आ गई है। सुरक्षा को देखते हुए यहां पर 131 परिवार को यहां बता दें कि अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है। आज जोशीमठ में असुरक्षित होटलों और मकानों को गिराया जाएगा। साथ ही प्रशासन ने SDRF की टीम को तैनात किया है। वहीं लोगों के घर गिराने के एवज में मुआवजे दिए जा रहे हैं और साथ ही उनको बता दें कि कई महिलाएं सड़कों पर बैठी हुई नजर आई है। इस मामले को लेकर लोगों की मांग है कि होटल घर तभी गिराए जाए जब उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने मंगलवार को जोशीमठ की स्थिति की समीक्षा की थी और इस बैठक में निर्णय लिया था कि जोशीमठ में संवेदनशील मकानों को सुरक्षित तरीके से गिराया जाए और प्रभावित लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। वही अब खबर हरिद्वार से है, जहां पीड़ितों के मदद के लिए बता दें कि पतंजलि योगपीठ जो है वो आगे आती भी नजर आई है और इस दौरान बता दें कि ट्रकों को भी रवाना किया गया है। जोशीमठ के भूधसाव के कारण कई परिवार आपदा की चपेट में आ गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बाद वहां रह रहे लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, इसी को लेकर आज पतंजलि योगपीठ आगे आया है। ठंड से बचने के लिए कंबल और खाद्य सामग्री जैसे भरे ट्रकों को योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा
हरिद्वार दिव्य योग आश्रम हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वही बाबा रामदेव ने कहा है कि विकास का कार्य उतने ही किए जाने चाहिए जिससे लोगों की जान आफत में ना आए। वही योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि जोशीमठ में जो प्राकृतिक आपदा आई है वो रहने वाले लोगों की जिंदगी भर की पूजा पूंजी को खत्म हो रही है, साथ ही लोग बेघर हो रहे हैं। ऐसे में मानवीय तौर पर आज हमारे द्वारा 2000 गर्म कंबल के साथ ही खाने पीने के साथ कई प्रकार की सामग्री जोशीमठ में भेजा गया है जिससे वहां के लोगों को रोजमर्रा के जीवन जीने में कठिनाई ना हो। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि उनके दुख दर्द को हम बांट सके और कार्य में सरकार और सभी संस्थाएं आगे आकर लोगों की मदद करें। देश के देवतुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति पहले ही बहुत लगाव है और यह हमारे हरिद्वार से लेकर के चार धाम जिस धरा पर है, जो गंगा जी यमुना जी की पवित्र उद्गम स्थली है, आदि शंकराचार्य जी ने सबसे पहला मठ ज्योतिष मठ वहाँ पर बनाया और उस ज्योतिष पीठ की बहुत पुण्य धरा एक महातीर्थ और वहाँ पर जो लोग रह रहे उनकी एक तो रोजी रोटी से लेकर के उनकी आजीविका और उन लोगों को ऐसा नहीं रखना चाहिए कि इस आपदा की घड़ी में उनको अकेला छोड़ दिया जाए। तो उसमें उनके मैंने कहा ना कि घरों से लेकर के उनकी आजीविका से लेकर के उसके बारे में सरकार को ज़रूर सोचना ही चाहिए और ज़रूर सोचेगी, क्योंकि हमारे धामी जी से लेकर के श्रद्धेय मोदी जी दोनों ही बहुत संवेदनशील है इस मुद्दे को लेकर के, और जो लोग अनावश्यक रूप से राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं उनको भी बचना चाहिए। देखो जोशीमठ के लोगों के लिए क्या करना है, इसके लिए मोदी जी ने खुद उसके ऊपर निरंतर नज़र रखी हुई है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी जोशीमठ के लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। जोशीमठ आपदा में प्रभावित लोगों की मदद के लिए जहां कई स्वयंसेवक संस्थाएं आगे आ रही है, वहीं हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए 2500 कंबल और साथ ही 1000 फुट पैकेज रवाना किए हैं। बता दें कि हरिद्वार के भल्ला कॉलेज से DM शंकर पांडे ने राहत सामग्री से लदे एक ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। DM विनय शंकर पांडे ने लोगों से भी अपील की है कि वे आपदा की इस घड़ी में आगे आए और जोशीमठ में प्रभावित परिवारों की मदद करें। वही DM विनय शंकर पांडे ने कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जोशीमठ में लिए हमारी द्वारा राहत सामग्री आज रवाना की गई है जिससे वहाँ रह रहे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हमारे द्वारा 2500 कंबल और 1000 फूड पैकेट भेजे गए हैं। जोशीमठ के DM से लगातार हम श्रम संपर्क कर रहे हैं, जैसी भी उनकी डिमांड होगी उनके हिसाब से आगे भी हमारे द्वारा राहत सामग्री भेजी जाएगी। जोशीमठ के लिए हम लोगों ने राहत सामग्री माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से जोशीमठ में जो भी हमारे स्थानीय निवासी हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, तो लगभग 2500 कंबल 1000 फूड पैकेट्स जो पर्याप्त जिसमें राशन है उसको आज भेज दिया गया है और वहाँ के DM से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, आज मेरी से बात हुई थी और जैसे भी उनकी डिमांड होगी वहाँ से यहाँ पर और सामान लोग एकत्रित करके स्टोर करा रहे हैं उसको प्रेषित किया जाएगा। और मैं सभी हरिद्वार के हमारे जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, संत अखाड़े हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करूँगा क्योंकि लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के सहयोग किया है और आश्वस्त किया है कि जोशीमठ के जो हमारे भाई वहाँ रह रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी यहाँ से नहीं होने की। जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरार आने के बाद से उत्तरकाशी के भटवाड़ी के लोग बेहद डरे हुए हैं। उन्हें भी अपना घर खोने का डर सता रहा है। भटवाड़ी की भौगोलिक स्थिति भी जोशीमठ से मिलती जुलती है क्योंकि यहाँ भटवाड़ी गांव और शहर के नीचे गंगा भागीरथी नदी बहती है और वहाँ पर जोशीमठ जैसी घटना होने की आशंका है। जोशीमठ के बाद से उत्तरकाशी में भी डरे हुए लोग नजर आ रहे हैं।
और बता दें कि उत्तरकाशी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बता दें लगातार जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद से वहां के लोग भी काफी परेशान हैं। बता दें कि इस दौरान जोशीमठ में काफी लोगों के घर में दरारें देखने को मिली है, जमीनों पर दरारें देखने को मिली है। वहां लोग जो है लगातार सरकार से ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर जमीनों को, अगर घरों को ध्वस्त किया जा रहा है तो हमें इसको लेकर मुआवजा भी चाहिए, हमें मुआवजा दिया जाए, उसके बाद ही हमारे घरों को, होटलों को ध्वस्त किया जाए। लगातार जोशीमठ की ये तस्वीर देखने के बाद से आसपास के एरिया के लोग और साथ ही तमाम जगहों के लोगों में एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग जो है डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जोशीमठ की हम तस्वीर देख रहे हैं, इसको लेकर सरकार को एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उत्तरकाशी में भी अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से घरों में दरारें आती हुई नजर आई है। जिस तरीके से जोशीमठ की हम तस्वीर देख रहे हैं, वैसे ही उत्तरकाशी की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र की यह तस्वीर है, जहां पर बता दें कि वहां आसपास के घरों में और साथ ही ये दरारें देखने को मिली दीवारों में, और साथ ही वहां के लोग भी अब इसको लेकर काफी डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर उत्तरकाशी की, जहां पर बता दें कि लोग लगातार डरे हुए नजर आ रहे हैं और लोगों में एक डर का माहौल है, क्योंकि जोशीमठ की जो तस्वीर सामने आई है, जिस तरीके से लोगों को वहां से कहीं और शिफ्ट किया गया और जिस तरीके से वहां के लोगों में एक डर, परेशानी से जूझती हुई जोशीमठ नजर आ रही है, उसके बाद से और भी जगह जैसे उत्तरकाशी के घरों में भी क्रैक की स्थिति देखने को मिली है, वहां भी घरों में दरारें आ गई है, जिसके बाद से लोगों में एक डर का माहौल है। वही जोशीमठ की त्रासदी पर लेखक धर्मेंद्र उनियाल धर्मी द्वारा लिखा गीत को लोक गायक पवन सेमवाल ने अपनी आवाज के माध्यम से जोशीमठ की त्रासदी को बयां किया है। गीत में जोशीमठ के लोगों की पीड़ा को बयां किया गया है। गीत के माध्यम से बताया गया है कि पहाड़ों में बन रहे डैम ही जोशीमठ की त्रासदी का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। जहां पहाड़ों में विकास के नाम पर गांव-गांव उजड़ रहे हैं, वहीं पहाड़ों में बन रहे डैम से खेत खलियान पानी में समा रहे हैं। विकास के नाम पर बन रही सड़क धंसने लगी है, पहाड़ खोखले हो रहे हैं। लोगों का उस दौरान कहना है कि उन्होंने कहा है कि पहाड़ में बन रही परियोजनाओं से विकास नहीं, विनाश हो रहा है। लोक गायक पवन सेमवाल ने कहा है कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे पहाड़ में आने वाले बड़ी त्रासदी से बचा जा सके। वही हरिद्वार में 4 दिन पहले बंद कराई गई अवैध पार्किंग धड़ल्ले से चल रही है। अवैध पार्किंग चलने के वालों को लेकर, चलाने वालों को लेकर इतने हौसले उनके बुलंद है कि इस दौरान अब वहां के प्रशासन भी सख्त नजर आ रही है। लोगों ने अधिकारियों की कार्रवाई के बाद से वहां लगाया जो बोर्ड जो है वो भी उखाड़ दिया है। बता दें कि जिसके बाद से नगर निगम में आरोपियों के खिलाफ कनखल थाने में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कनखल की सती घाट पर पिछले कई सालों से अवैध पार्किंग चल रही है। 4 दिन पहले ही नगर निगम के अधिकारियों ने पहुंचकर पार्किंग बंद कराया दिया था। नगर निगम की कार्रवाई के बाद से सती घाट पर अस्थित, बता दें कि विसर्जन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से पार्किंग का पैसा वसूला जा रहा है। ये कहाँ से आए आप? यहाँ हरियाणा सिरसा। तो यहाँ पार्किंग में कितने पैसे देने पड़े आपको? 50 रुपए लेते हैं। ऐसे पहले भी आए आप कभी? हर रोज ही आते हैं हम तो। हर बार देने पड़ते हैं जी। तो आपको जानकारी नहीं है कि यहाँ पे पार्किंग बंद करा दी थी फिलहाल? नहीं, देखते नहीं पड़ते। कौन सी गाड़ी है आपकी? इनोवा। कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी कि कनखल में कुछ व्यक्ति द्वारा अवैध पार्किंग कराई जा रही है, तो उसी को तहत हम लोगों ने, हमारे एक टीम का गठन किया गया जिसमें नगर निगम और तहसील की टीम द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया और उसमें जांच की गई कि जमीन किसकी है। तो जो टीम की जो रिपोर्ट आई है उसमें वो जमीन जो है नगर निगम की प्रदर्शित हुई है, तो उसी के तहत हम लोगों ने उस पार्किंग को हटा के वहाँ पर एक बोर्ड लगाया था, नो पार्किंग बोर्ड। तो कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा उस बोर्ड को हटा दिया गया था, जिसके संबंध में हमारे द्वारा हमारा निर्माण विभाग है उसके द्वारा कनखल थाने में FIR दर्ज करा दी गई है। पार्किंग तो बड़े लंबे समय चल रही थी इसमें, तो उसमें जब ये ज्ञात हुआ कि टीम की जब रिपोर्ट आएगी और जो जमीन है वो नगर निगम की है, तो उसके बाद कार्रवाई की गई। कोई राजनीतिक संगठन प्राप्त लोग हैं जो बार-बार इस तरह से दुस्साहस करते हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है कुछ।
शहर का जिला चिकित्सालय पीपी मोड पर संचालित हो रहा है, जिसकी बदहाली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पौड़ी विधायक स्वास्थ्य मंत्री से पीपीपी मोड वापस लिए जाने की मांग कर चुके हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी पीपीपी मोड पर संचालित अस्पतालों को लेकर कड़ी नाराजगी जता चुके हैं। ताजा मामला पौड़ी, युवा पत्रकार कुलदीप बिष्ट की बेटी की चिकित्सा पर गलत चिकित्सा परामर्श दिए जाने का सामने आया है। कुलदीप बिष्ट ने बताया है कि बीते 19 दिसंबर को उनकी बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां दो दिन भर्ती होने के बाद 21 दिसंबर को चिकित्सकों ने बेटी के पित्त की थैली में 9 पॉइंट और साथ ही 3 mm के पथरी होने की बात कही। 3 दिन के भीतर ऑपरेशन करवाने की बात भी उन्होंने कही। साथियों ने परामर्श के बाद उन्होंने संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर का रुख किया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के पित्त की थैली में कोई भी पथरी नहीं है। बताया जा रहा है कि बच्ची को सामान्य बुखार है, जिसके बाद 3 दिन के उपचार में बच्चे को स्वस्थ हो गए हैं। और साथ ही बता दें कि इसके उन्होंने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और साथ ही एक निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र में बच्ची का अल्ट्रासाउंड करवाया, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आई है। उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएमओ पौड़ी और साथ ही कोतवाली थाने में शिकायत दिए जाने के बाद कही है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री लगातार पीपीपी मोड पर संचालित अस्पतालों की व्यवस्था चाक चौबंद होने का दावा करते हैं, लेकिन लगातार सामने आ रही लापरवाहियां जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को बयां कर रही है। वहीं जिला अस्पताल के एमएस डॉक्टर विनय अडवाला ने बताया है कि जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड में बच्ची के पित्त की थैली में पथरी होने की पुष्टि हुई थी, जबकि अन्य स्थानों पर किए गए अल्ट्रासाउंड में पित्त की थैली में पथरी सामने नहीं आई है। भगवानपुर में बता दें कि भगवानपुर के बलेकी यूसुफपुर गांव में एक किसान की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना का अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गया है। मृतक किसान विवेक कुमार 22 साल का था, जो सुबह सवेरे गन्ने छीलने अपने खेत में गया हुआ था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी जुटाई है। दरअसल बता दें कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के बाले की यूसुफपुर गांव निवासी विवेक सुबह सवेरे अपने पशुओं के लिए गन्ना छीलने के लिए खेत पर गया हुआ था, तभी अज्ञात बदमाशों ने उसकी सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। विवेक की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही आनन फानन भगवानपुर पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस बदमाश की तलाश कर रही है। वहीं सितारगंज में अवैध और ओवरलोड खनन की तस्करी रोकने के लिए सीओ ने सिडकुल रोड में वाहनों की चेकिंग की है। इस दौरान पुलिस ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन को पकड़ लिया है। खनन के लिए बता दें कि खनन का रवाना चेक करने पर कुछ वाहनों को ओवरलोड जो है खनन भरा हुआ था। जब उन्होंने चेकिंग की पुलिस ने तो देखा कि कुछ वाहनों में ओवरलोड खनन भरा हुआ था, जबकि एक वाहन के पास से खनन का रवाना तक नहीं था। बता दें कि पुलिस ने सभी वाहनों को सीज कर दिया है और साथ ही मंगलवार को सीओ ओम प्रकाश पुलिस कर्मियों के साथ सेडकुल प्रवेश द्वार पर वाहनों की चेकिंग के लिए तैनात हो गए। उन्होंने अवैध खनन में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया है, जबकि 3 अन्य वाहनों को जांच के लिए ओवरलोड खनन मिला है। जांच के दौरान ओवरलोड खनन मिला है। पुलिस ने 3 वाहनों को के भी चालान काटे हैं। हरिद्वार के खानपुर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या की गई है। साथ ही बता दें कि पुलिस ने सकुशल खुलासा किया है, ग्रामीण की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान हत्याकांड में अंजाम देने वाला बाप बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बाप बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जिसके बाद से कब्जे से पुलिस ने 2 देसी तमंचे और हत्या में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। और बता दें कि हरिद्वार की ये खबर है, जहां पर एक ग्रामीण की इस बाप बेटे ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बाप बेटे को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है और साथ ही बता दें कि इस दौरान मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। हरिद्वार स्थित शेषनाबाद
बाद कार्यालय में प्रेस वार्ता कर एसएसपी अजय सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सुमित कुमार और उनके पिता सनत कुमार को मृतक सोनवीर से पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके बाद से साल 2021 में सोनवीर ने दोनों बाप बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका बदला लेने के लिए लगातार दोनों आरोपी सोनवीर के फिराक में थे। और साथ ही बीते 6 जनवरी को मौके पाकर उन्होंने खेत में काम कर रहे सोनवीर की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों के पास से देसी तमंचे बरामद कर लिए गए हैं और साथ ही लगातार अब आरोपी से पूछताछ जारी है। को जो है ग्राम प्रहलादपुर में सोहनवीर व्यक्ति हैं, उनकी हत्या हो गई थी। उनके घर के पास ही जो खेत था, जब अपने खेत पर जा रहे थे साय को, तो वहां पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चूंकि उनकी दो गोलियां पीठ पे लगी थी और एक एकदम सटाकर सर पे मारी गई थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो मारने के पीछे मंशा रही है वो कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश या ऐसा कोई कारण हो सकता है जो इस जघन इस रूप से उसको हत्या की गई थी। इसको देखते हुए घटनास्थल निरीक्षण और मृतक के परिवारजनों से समझ जानकारी की गई, उस पर टीमें बनाई गई थी, खानपुर की और सीआईयू की रुड़की की टीम, और जिस पर कल देर रात्रि दोनों अभियुक्तों को, जो सनत कुमार और उसके फादर जो है, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया। जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देशों के क्रम में बता दें कि बिशनपुर क्षेत्र तहसील हरिद्वार में अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होने पर आज राजस्व और खनन टीम के साथ कार्रवाई की गई है, जिसमें निम्न बता दें कि स्टोन क्रशर सीज किए गए हैं। गोमुख स्टोन क्रशर और साथ ही नटराज स्टोन क्रशर बिशनपुर को बता दें कि प्लांट स्वामी द्वारा बुग्गियों से माल लेने और पैमाइश किए जाने पर ऑनलाइन पोर्टल में दर्शित उपखनिज की मात्रा और मौके पर जमा पाए गए। उपखनिज में अंतर होने के कारण दोनों स्टोन क्रशरों को सीज किया गया है और परिसर के अंदर से ही खुदान का गड्ढा पाया गया है। साथ ही दोनों ही प्लांटों में ई रवन्ना पोर्टल भी तत्काल बंद कर दिया गया है। हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने विकास भवन रोशनाबाद के प्रेस बता दें कि रोशनाबाद के कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जिला योजना राज्य सेक्टर केंद्र पोषित और बहाय सहयातित योजना के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा बैठक की। वही समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने विभिन्न योजना जिला योजना राज्य सेक्टर केंद्र पोषित और बहाय सहयातित योजना जैसी 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित विभागों द्वारा अब तक कितना भौतिक लक्ष्य धरातल पर प्राप्त किया गया है, एक एक करके विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई है और कुछ विभागों के द्वारा दिए गए कार्य लक्ष्य के सापेक्ष संतोषजनक प्रगति न होने पर उन्हें संबंधित विभाग के अधिकारियों को बता दें कि यथाशीघ्र किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधि के ग्राम प्रतीत नगर बता दें कि भ्रमण किया गया है और इस दौरान बता दें कि पंचायती राज विभाग द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को लेकर सराहना की गई है। साथ ही बता दें कि इसको लेकर लगातार भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं और रायवाला की यह तस्वीर है जहां पर लगातार भ्रमण करने के बाद तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी दिया गया है। और साथ ही बता दें कि मंगलवार को कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, अंतरनाग और साथ ही शोपिया, बदीपुरा, श्रीनगर, गांदरबल और साथ ही बड़ग्राम सहित 8 जिलों में आए 62 ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों के दल ने उत्तराखंड पंचायत राज विभाग के द्वारा ग्राम प्रीतनगर में कराए गए विकास कार्यों को देखा। उन्होंने बता दी कि ग्रातित नगर में हो रहे उत्कृष्ट विकास कार्यों की सराहना की और कहा कि हमें पंचायत अपने समिति संस्थानों के उत्कृष्ट विकास कार्य करवा सकती है।
अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार के मालवीय घाट पर संदिग्ध बैग होने के बाद से वहां आसपास हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची हरिद्वार पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला और इस दौरान 1000 से 1200 के करीब लोगों को मालवीय घाट में सुरक्षित बाहर निकाला गया और BDS और डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध बैग को चेक किया गया। उत्तराखंड के राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता में कुसुम कंडवाल ने अपने कार्यालय का 1 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। कुसुम कंडवाल ने बताया है कि अभी तक आयोग केवल घरेलू हिंसा और अन्य रूप से प्रताड़ित महिलाओं को अन्याय दिलाने का काम कर रही है, लेकिन भविष्य में आयोग महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेगा। इस दिशा में लगातार राज्य महिलाएं आयोग अपने कदम आगे बढ़ा रही है। फिलहाल महिला नीति बनाए जाने की प्रक्रिया गतिमान है और साथ ही आयोग की कोशिश है कि 8 मार्च तक महिला नीति लागू कर दी जाए। इसके अलावा राज्य में महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए महिला थाने अधिक करने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में 16 जनवरी को पुलिस के अधिकारियों के साथ महिलाओं आयोग की बैठक की गई। इसके अलावा मजबूती और जबरदस्ती के कारण समाज के मुख्य धारा से भटके महिलाओं को भी समाज के सम्मान दिलाने का प्रयास किया गया। महिला आयोग पीड़ित महिलाओं को जो परिवार से अलग हो जाती थी या जो प्रताड़ित होती थी उनके लिए काम कर रहा था, लेकिन महिलाएं थोड़ा हट के काम कर रहा है कुछ अलग होके, कि जो समाज में महिलाएं अलग परिवार से अलग हो जाती हैं, पीड़ित हो जाती हैं और किसी तरह से वो रास्ते से भटक जाती हैं, तो उनके लिए किस तरह से हमें काम करना चाहिए, वो कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो, ये महिला आयोग ने ये काम भी शुरू किया है और इसमें हम लोग लगे हैं। सबसे पहले तो हम ये कि जो वास्तव में जो महिलाएं रास्ते से भटक चुकी हैं, गलत काम गलत चीज़ों में लग चुकी हैं या फिर उन्हें वापस समाज में वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करें, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो उन्हें रोज़गार हम किस तरह से उपलब्ध करा सकते हैं, उनके रोज़गार की चिंता कर रहे हैं, दूसरा उन्हें वो किस तरह से रहें। तो हमारा मानना है कि स्वाधार गृह पहले हमारे चलते थे, तो स्वाधार गृह अगर हमारे फिर से हम सोच रहे हैं, हमारी सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो रही है कि स्वाधार गृहों को हम फिर से लागू करें, क्योंकि उन पीड़ितों को उन महिलाओं को हम एक समाज में सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए उस वहां रख सकते हैं। तो इस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी तहसील मुख्यालय में बता दें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और चिकित्सा उपकरणों की मांग के लिए गैस रेंड। बता दें कि क्षेत्र में विभिन्न गांवों की महिलाओं, पुरुषों और व्यापारियों ने विगत बुधवार से नगर में रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आज धरने के 8वें दिन बड़ी संख्या में लोग अपनी बारी, बता दें कि धरना स्थल रामलीला मैदान में मौजूद है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार प्रतिनिधि आंदोलनकारियों के बीच नहीं पहुंचा। लोगों ने शासन प्रशासन पर आंदोलन की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।